हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडे वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस लुक को जो मैंने आज क्रिएट किया है। गाइस आप देख सकते हो मैंने बहुत ही बेसिक सा लुक रखा है और ये स्पेशली समर्स के लिए है। सो होपफुली आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो। सो मैंने कैसे लेस प्रोडक्ट के अंदर इस मेकअप को स्टैंड आउट किया है और आप खुद भी कैसे कर सकते हो इन समर्स कम प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत अच्छा मेकअप। सो गाइस ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो या एज यू गाइस कैन सी मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। सो मेरा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ऑफकोर्स मेरा प्राइमर ही होगा जो कि स्विस ब्यूटी का है। ये ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो में रिव्यू किया है गाइस, ये प्राइमर प्लस मॉइस्चराइज़र है। तो पहली चीज़ जो समर्स में हमें ध्यान रखनी है दैट इज़ हमें मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जो 2-in-1 हो। मतलब आपको जैसे मैंने ये यूज़ किया है, इसमें प्राइमर भी क्लेम करता है और मॉइस्चराइज़र भी क्लेम करता है और ये दोनों का ही परफेक्टली काम करता है स्पेशली इन समर्स। तो प्राइमर के लिए आपको एक कैनवस देता है स्मूथ कैनवस फाउंडेशन के लिए, प्लस मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देता। सो फॉर द सेकेंड स्टेप आई एम गोना अप्लाई माई फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए आपने देखा है मैंने यहाँ शुगर का स्टिक फाउंडेशन यूज़ किया है। सो समर्स में मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ स्टिक फाउंडेशन बिकॉज आप इसको अपने हिसाब से लेते हो, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं होते आप फाउंडेशन के साथ। और आप देख रहे हो मैंने डॉट डॉट भी बहुत ही मिनिमम्स रखे हैं और बहुत ही लाइट कवरेज रखा है मैंने फाउंडेशन का, बिकॉज आप ज़्यादा फाउंडेशन अगर समर में अप्लाई करके बाहर निकलते हो तो यार वो स्वेट करना ही करना है। आप जितना भी वाटर प्रूफ फाउंडेशन यूज़ कर लो इट विल स्वेट बिकॉज समर्स में इतना ह्यूमिडिटी होती है, कांट हेल्प इट। सो ट्राई आउट कि जितना कम प्रोडक्ट हो सके उतना कम यूज़ करो और जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट रहती है जैसे कवरेज वगैरह की तो आप वहाँ पर अच्छे से अप्लाई करो अपने फाउंडेशंस या फिर जो भी आपका कंसीलर है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा मत करो, ओवरडू मत करो कोई भी चीज़ों को। ओके सो नाउ विल जंप टू द कंसीलर पार्ट। तो कंसीलर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर पिक कर रही हूँ गाइस और मुझे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है मैं वहाँ वहाँ पर ही सिर्फ कंसीलर को अप्लाई करूँगी। मैं हाईलाइट नहीं करूँगी बिकॉज समर्स में आप जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करो उतना बेटर है, बिकॉज अगर मैं फिर से फाउंडेशन के ऊपर लेयरिंग करूँगी जस्ट टू हाईलाइट तो वो थोड़े टाइम बाद बट ऑब्वियस स्वेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यार हमेशा ये याद रखना है कि आपको जब भी कंसीलर यूज़ करना है ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ना जितने भी एरियाज जहाँ जहाँ आपने पिक किया है सिर्फ वहाँ वहाँ पर ही उसको अच्छे से अप्लाई करना है। फाउंडेशन की तरह ड्रैग नहीं करना है, जैसे हम लोग फाउंडेशन में डॉट डॉट लगा के और पूरी स्किन पे उसको ब्लेंड कर लेते हैं, बिल्कुल भी वैसा मत करिएगा। जहाँ पर आपने प्रोडक्ट को लगाया है सिर्फ उतने ही एरिया में उसको अप्लाई करिए, ओवरडू बिल्कुल भी मत करिएगा। अच्छे से अपने कंसीलर को टाइम दीजिए उसको स्प्रेड करने के लिए। ओके जस्ट डू नॉट घाई घाई करके मेकअप बिल्कुल भी ख़राब मत करिए बिकॉज बेस जितना अच्छा होगा समर्स में उतना ही स्ट्रांग मेकअप आपका रहने वाला है। सो अभी मैं अपनी आई को पैक करने के लिए शुगर का ये लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से मैंने यहाँ पर अंडर आई लगा लिया है अपने पाउडर को। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है पहले वहाँ वहाँ लगाइए, उसके बाद जो भी है वो डस्ट आउट कर दीजिए अपने फेस के ऊपर जो भी एरियाज़ आपके लेफ़्ट ओवर हैं। और लूज़ पाउडर आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, मुझे ये पर्सनल फेवरेट लगता है तो मैं ये ब्रांड यूज़ करती हूँ और एक्चुअली इसका फाउंडेशन भी बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड करता है और बहुत अच्छा कवरेज भी देता है। बहुत आप देख रहे हो मैंने कितना कम प्रोडक्ट यूज़ किया है अपने फेस पर। सो बहुत अच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इट्स अप टू यू, आपको जो भी आपका फेवरेट हो जस्ट ट्राई करिएगा कि स्टिक फाउंडेशन यूज़ करिए बिकॉज ये अच्छा रहता है लिक्विड कंपैरेटिवली लिक्विड फाउंडेशन से, बिकॉज समर्स में लिक्विड फाउंडेशन टेंड टू बी मोर ऑयली एंड मोर ग्रीसी, यू नो। सो जस्ट डू दैट ओनली। सो आप देख रहे हो मैंने ऑलमोस्ट अपना बेस कंप्लीट कर दिया है, नॉट टाइम फॉर द आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए मैं ये न्यू लॉन्च ब्लू हेवन का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही फ्रेंडली है, इसमें स्पूली साथ में रहती है तो आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो मैंने स्ट्रोक फॉर्म में इसको अप्लाई किया है, सिर्फ स्ट्रोक के जैसे मैंने इसको पहले लगाया एंड देन मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ अच्छे से। सो यू जस्ट रिमेंबर गाइज कि समर्स का जो बेस्ट पार्ट है ना वो ये कि आप सिर्फ मेकअप मत करो, अपनी स्किन को भी प्रेप करते रहो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इससे पहले अपलोड किया है जस्ट टू प्रेप कैसे आप कर सकते हो अपनी स्किन को, तो वो भी ज़रूर देखिएगा बिकॉज अगर आप अपने स्किन को प्रेप नहीं करोगे और सिर्फ ऊपर से लेयरिंग करोगे चीज़ों की तो मेकअप इतना अच्छा नहीं होता, इतना स्टैंड आउट नहीं करता।
सो आपने अगर वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक कि आप प्रेप कैसे कर सकते हो अपने घर में होममेड चीज़ों के साथ। ओके सो यहाँ पर मैं आई शेड के लिए लैक्मे का पैलेट पिक कर रही हूँ, और मैंने ना एक गलती छोटी सी ये कर दी कि मैं मेकअप करने से पहले मैंने ब्रशेस नहीं देखे, सो मुझे ब्रशेस नहीं मिल रहे थे अपने किट में, सो मैं यहाँ पर फिंगर का ही यूज़ कर रही हूँ। सो सॉरी गाइज़ अगर 19-20 थोड़ा सा मेकअप होता भी है, सो जस्ट बेयर करना मेरे साथ, आई एम सो सॉरी। मैं ब्रश बिल्कुल भी मुझे मिल ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा जस्ट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम मैं फिंगर यूज़ करती हूँ, बिकॉज फिंगर से भी ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाती है, और मुझे यहाँ पे बहुत नॉर्मल सा ही आई शेड लगाना था तो हो गया, काम चल गया। सो मैंने एक गोल्डन कलर का सॉर्ट ऑफ कलर यूज़ किया है और वेरी मिनिमम प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पर मेबिलिन का ट्रायोज जो ये पैक आता है, दैट इज़ ब्राउन सॉरी अपना कंटोर ब्लश एंड योर हाईलाइट, तो वही यूज़ कर रही हूँ। और आप देख रहे हो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ यार ब्लेंडिंग के लिए, बिकॉज़ मैंने कॉन्टोरिंग के लिए प्रोडक्ट तो अप्लाई कर लिया, बट ब्लेंडिंग में मुझे बहुत बहुत दिक्कत हो गई यार। मतलब एक्चुअली एकदम टाइनी सा एकदम चुन्नू सा ब्रश है और ये ब्लेंड बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। सो ऑलमोस्ट मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत थक गई यार सिर्फ इसकी ब्लेंडिंग करने में। सो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि चलो एक काम करती हूँ कि अपना ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर मैंने लूज़ पाउडर थोड़ा सा अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लगा के उसको एक स्ट्रेट लाइन देने की ट्राई की, ताकि वो जो यू नो अच्छे से ब्रश नहीं स्ट्रक्चर दे पा रहा है फेस को, ये ब्लेंडर दे दे। सो ऑलमोस्ट मैंने जैसे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट हो गया मेरा ये लुक। सो जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस उसमें था मैंने वो डस्ट आउट कर दिया अपने फेस पर लूज़ पाउडर को। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नोज़ पर कंट्रोल करने का ट्राई कर रही हूँ, और मैंने बहुत ही लेस प्रोडक्ट यूज़ किए हैं गाइस। और आप भी ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको ना समर्स में बहुत कम प्रोडक्ट हर चीज़ का यूज़ करना है, कंट्रोल में भी बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट, बिकॉज़ अगर ज़्यादा पसीना आ रहा है या फिर कुछ गर्मी में ह्यूमिडिटी में आप हो और अगर आपका फेस पे मेकअप जा भी रहा है तो वो गंदा ना दिखे। ओके और स्पेशली समर्स में आपको कोई भी ब्रॉन्जिंग या फिर आपको कंट्रोलिंग जो भी प्रोडक्ट है वो क्रीम में मत लीजिए। अब मैंने आप देख रहे हो मैंने उसी ब्लेंडर से अपना ब्लश भी लगा लिया है, वही पैलेट से जो मैंने आपको दिखाया था अभी। सो नाउ टाइम फॉर द आइज़। तो आइज़ के लिए गाइज समर्स में आप आई शेड मिनिमम यूज़ करते हो, तो अभी स्टैंड आउट मेकअप करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ योर यू नो वेरी कलरफुल लाइनर्स आई लाइनर्स। सो मैं यहाँ पर बेलोरा का डार्क सी ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पर लाइनर लिया है। आप देखोगे अभी कि मेरा मेकअप मतलब फ़ौरन ही यू नो इंस्टेंटली एकदम से एकदम हाईलाइट हो गया मेरा मेकअप, जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको यूज़ किया। तो लॉरियल का मस्कारा यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं। सो जैसे मैं बता रही थी, तो समर्स में जैसे मैंने बताया कम से कम हर प्रोडक्ट यूज़ करना है, लेकिन आप ये प्रोडक्ट जो मैंने बताया कि आप कलरफुल अगर लाइनर यूज़ करते हो ना समर्स में, तो बहुत ही अच्छा मेकअप दिखता है, बहुत ही प्रिटी लुक आता है और स्टैंड आउट करता है आपका मेकअप, मतलब एकदम नो डल डल नहीं लगता आपका फेस, बिकॉज ऑलरेडी आपने कम प्रोडक्ट्स यूज़ किए होते हैं और आपने आई शेड वगैरह में भी ज़्यादा कलरिंग नहीं की होती है। लेकिन आप ये पार्ट एक ऐसा है जहाँ पर आप अच्छे से इसको यू नो करके अपने फेस के लुक को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हो। सो जस्ट प्रिफर यूजिंग कलरफुल लाइनर्स, समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं आपके आईज़ के ऊपर, आपका मेकअप बहुत स्टैंड आउट करता है। सो आप कलर्स बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर सी ग्रीन यूज़ किया है, आप डार्क ब्लू लाइट ब्लू एंड ब्राउन टोन्स, ब्लैक भी आप यूज़ कर सकते हो, प्लस आप वाइट के साथ थोड़ा सा टचअप दे सकते हो, मिक्स कलर्स कर सकते हो लाइनर पे। सो आप बहुत सारी यू नो बहुत वे आउट है लाइनर्स के लिए, सो आप उस तरीके से कुछ करके अपने मेकअप को काफ़ी अच्छा यू नो कर सकते हो। सो मैंने आप देख रहे हो ऑलमोस्ट आई एम डन विद माय आईज़। तो जैसे ही मैंने कलरफुल लाइनर लगाया आप देख रहे हो कि इंस्टेंट फ़र्क मेरे मेकअप में कितना अच्छा लग रहा है, मतलब आई रियली इन्जॉयड इट। तो मैं यहाँ पर एक लिप लाइनर ले रही हूँ मेबिलिन का, सो मैंने यहाँ पर मॉव कलर सॉर्ट ऑफ पिक किया है अपने लाइनर लिप लाइनर के लिए। मैंने लिप बाम ऑलरेडी लगा लिया था, सो मैंने टचअप नहीं किया। सो अभी मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का न्यू लॉन्च है और उसका ऑरेंज टोन कलर है, तो मैं टिंट यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया। मैं इससे अच्छे से फिंगर से मिक्स करके, जैसे मैंने बताया कि आई लव मिक्सिंग कलर इन लिपस्टिक, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है यू नो आपका मिक्स करके कलर। सो ऑलमोस्ट मेरा आप देख रहे हो मेकअप हो चुका है, आई एम ऑलमोस्ट डन विद द मेकअप। तो मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ही
फिक्सर, मेकअप फिक्सर लिया है टू फिक्स ऑल द मेकअप। और ये बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा पार्ट, ये अप्लाई करिएगा। मैं स्पॉन्ज से इसलिए अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज मुझे उसकी स्मेल से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं इसको अपने स्पॉन्ज में लेकर अच्छे से अपने फेस पे डैब डैब मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं लास्ट में अपना हाइलाइटर लगाऊंगी। सो मैं सब कुछ होने के बाद अपना हाई पॉइंट्स पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ताकि अच्छे से वो इन्हांस करे मेरे फेस को। और मैंने बहुत लाइट हाइलाइटर यूज़ किया है, सो जितना कम प्रोडक्ट एज़ यूजुअल जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो बस उतना ही कम प्रोडक्ट यूज़ करिए। सो होपफुली उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत कुछ हेल्प करके जाए और आपको ये वीडियो पसंद आए। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।